सो ऑल गाइज वेलकम बैक टू वीडियो। सो हम लोग इसमें बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में, चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन की हो चाहे वो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हो फर्स्ट अटेम्प्ट में और उसी एप्लीकेशन नंबर से सेकंड अटेम्प्ट रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो उन लोगों का ये डाउट है कि वो जो एड्रेस प्रूफ है उसमें वो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करती हैं, ठीक है। और गलत डॉक्यूमेंट इन सेंस के मतलब कि लाइक जो उनका एड्रेस उन्होंने सबमिट किया है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका जो प्रूफ मतलब वैसे जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो नहीं है बल्कि वो दूसरा एड्रेस है, ठीक है, या एक्सचेंज हो गया प्रेजेंट की जगह परमानेंट, परमानेंट जगह प्रेजेंट, ऐसा कुछ बहुत सारे लोगों का डाउट है जो बार बार पूछ रहे थे कि भैया क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा ऐसा कुछ, या आगे काउंसलिंग में दिक्कत होगा। सारे डाउट्स कवर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखो। और यार एक मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपको काउंसलिंग में आने वाले टाइम में, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं किए हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो लोग 2023 के JS पेरेंट है, ओके। उसमें आप मेरे को DM करके डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, चाहे कोई भी डाउट हो आप वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा वहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं कि अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दियो, पहली बात कि अगर गलत अपलोड भी कर दियोगे तो आपको करेक्शन विंडो पोर्टल का ऑप्शन आएगा, लाइक जब भी आपका खत्म होगा 12 मार्च के बाद एक दो दिन के अंदर ही आपका ओपन हो जाएगा करेक्शन विंडो पोर्टल, तो वहां पर आप सही वाला अपलोड कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो बिल्कुल भी नहीं रिजेक्ट होगा, अगर वो आपका लाइक मैच नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो जो आपने एड्रेस फिल किया उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वो एड्रेस प्रूफ इसलिए आपसे लिया गया है ताकि आप जहाँ करेंटली रह रहे हो वहाँ पर आपको सेंटर अलॉट हो जाए, ठीक है, ये बस इसका मतलब है। ये ऑलरेडी NTA ने चीज़ क्लेरिफाई कर दिया था, ओके। और आगे क्या काउंसलिंग में आपको ये दिक्कत आएगा इससे, तो बिल्कुल भी नहीं दिक्कत आएगा, आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पर जब काउंसलिंग जाओगे तो इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं मांगे जाएंगे, सिंपली आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आप जहाँ रहते हो उससे भी मतलब नहीं है, आपको सिंपली आपके 12th के मार्कशीट ही सबमिट करना होता है स्टेट एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आने वाले टाइम में आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस से कोई इशू नहीं आने वाला है, चाहे आपने गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया हो तो, ओके।